अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो के जो टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जो वैकेंसियों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसके बारे में आज का एडवर्टाइजमेंट आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों आप BR का ऑफिशियल वेबसाइट गूगल में सर्च कर लेंगे तो होम मेन्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप दोस्तों को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। वी कैन पोस्ट एन FBR, यहाँ पर दोबारा क्लिक कर लेंगे। एडवर्टाइजमेंट को रीड करने के लिए यहाँ ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं असिस्टेंट BPS 15 स्किल है। क्वालिफिकेशन के हिसाब से बैचलर डिग्री वाले अपराध इसको अप्लाई कर सकते हैं। उम्र के जो रिक्वायरमेंट्स है 28 साल से 33 साल हो। टोटल वैकेंसी की तादाद 22 है। तो पंजाब के लिए मेरिट की बुनियाद पर 15 असामी, पंजाब वोमेन के लिए 2 और पंजाब मिनियॉरिटी कोटे के हिसाब से 1 असामी खाली है। संत रूलर के लिए 1 असामी, KPK के लिए भी 2 असामी है और गिलगित बल्तिस्तान पाटा के लिए 1 असामी खाली है। इस तरह से स्टेनोटाइपिस्ट 14 स्किल है। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंस मांग रहे हैं, साथ में 80 से 40 WPM टाइपिंग स्पीड मांग रहे हैं, 25 से 30 साल एज रिक्वायरमेंट्स मांग रहे हैं। ओपन मेरिट के हिसाब से 2 वैकेंसी, पंजाब से मेरिट के हिसाब पर 12, पंजाब वुमेन कोटे के हिसाब से 1 और मिनॉरिटी पंजाब के लिए 1 असामी। संत रूलर मेरिट के हिसाब से 4 असामी, संत रूलर वुमेन के लिए 1 असामी खाली है। संत अपर मेरिट के हिसाब से 2, KPK मेरिट के हिसाब से 1, बलूचिस्तान मेरिट के हिसाब से 1, गिलगित पाटा आजाद जम्मू कश्मीर और डिसेबल कोटे के हिसाब से 1-1 असामी खाली है। इस तरह से दोस्तों इसमें नहीं थी UDC, LDC, स्टेटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, DEO की असामी भी मेंशन है। आप इसका मुतालिया कर सकते हैं। नीचे इसके टर्म एंड कंडीशन को भी आप रीड कर सकते हैं। अगर आप इन वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 अक्टूबर 2021 से पहले पहले आपने इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है। एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के लिए आपने दोबारा इसी की वेबसाइट पे आना है। जॉब के कैटेगरी पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे तो ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इसकी बैंक की कोई चार्जेज नहीं है। आपने इसको डाउनलोड कर देना है और इसको फिल कर देने के बाद आपने इसे एड्रेस पर सेंड करवा देना है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप इन वैकेंसी को अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर अपडेट को वीडियो आप दोस्तों को आपको मिल सके। इसी के साथ दीजिए अपने भाई को इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।